ग्राम पंचायत बनी में पीने के पानी को तरस रहे रहवासी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनासा क्षेत्र का प्रथम MP7 न्यूज। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मनासा क्षेत्र की विशेष खबर। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनी में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वही सबसे बड़ी समस्या गांव में जल की है। ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सालों से पंचायत सरपंच जिम्मेदारों द्वारा बड़े बड़े विकास कार्यों के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में वास्तविक धरातल पर ऐसा कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिससे कि लोगों को नल जल योजना का पूरा लाभ मिल सके। गांव बनी के तालाब में 2 शासकीय कुएं बने हैं, जिससे महिलाएं पानी खींचकर सिर पर रखकर ले जाती हैं। कुओं के इर्द गिर्द कचरा कूड़ा झाड़ियां हैं, जिससे लोग पानी पीते हैं। वही एक तालाब के समीप 2 हैंडपंप लगे हैं, इनमें से एक बंद पड़ा है। वह दूसरे हैंडपंप से महिलाएं पानी भरती हैं और गांव में नल है, लेकिन 7 से 8 दिन में कभी कभार पानी आता है, वह भी चंद मिनटों के लिए, जिससे महिलाओं को सिर पर रखकर आधा किलोमीटर तक पानी ले जाना पड़ता है, नहीं तो लोगों को टैंकर से भरवाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से कई सरपंच प्रतिनिधि वादे करने आए और चले गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना है कि पंचायत चुनाव के बाद क्या यह समस्या हल हो पाएगी। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।